हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रिल विद गिल्स। आज हम बनाएंगे नॉर्थ इंडिया की स्पेशल मक्की की रोटी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मक्की की रोटी बनाने के लिए मैंने लिया है 4 कप आटा और गर्म पानी। मक्की के आटे को गूंदने के लिए हम गर्म पानी ही यूज़ करते हैं, और गर्म पानी इतना होना चाहिए कि आपका हाथ लग जाए। ज़्यादा गर्म भी मत कर लीजिए कि आप जब उसको आटा लगाएं तो पानी को हाथ ही ना लगे। तो चलो आटा लगा लेते हैं। तो 4 कप मक्की का आटा ले लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक डो तैयार कर लेते हैं। एकदम से सारा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। मक्की का आटा सैंड की तरह होता है, जैसे सैंड नहीं होती बिल्कुल वैसे। और जो मक्की का आटा होता है वो बहुत हेल्दी होता है खाना, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ही ज़्यादा होता है। मैंने साग की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है अपने चैनल पर। और नॉर्थ इंडिया में मक्की की रोटी को सरसों के साग के साथ विंटर में बहुत लाइक करते हैं लोग। तो साग का लिंक मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और आज सिर्फ हम बनाएँगे मक्की की रोटी, क्योंकि इसे बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और मैं बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि कैसे बनेगी। मक्की का आटा ना हैंड के साथ स्टिकी नहीं होता, ऐसे ही जैसे ये मतलब सैंड की तरह कनेटिक सैंड होती है ना, बिल्कुल वैसा ही होता है ये देखिए। लेकिन अभी इसमें मैं और पानी डालूंगी और इसे एक अच्छा सा डो बना लेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल हाथ के साथ चिपक नहीं रहा। जैसे हम गेहूं का आटा लगाते हैं ना तो वो हाथ के साथ चिपकता है, ये बिल्कुल नहीं चिपकता ऐसे। बस ऐसे ही पानी हल्का हल्का सा डालकर बहुत फाइन डो लगा लेंगे हम। तो हमारा जो आटा है वो लग गया है, अब इसे निकाल लेते हैं और अब बनाते हैं इससे रोटी। मक्के की रोटी बनाने से पहले जो प्रेपरेशन करनी है पहले वो बता देती हूँ। हमें पानी चाहिए, पानी जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हो तो ठीक है। मक्की का आटा सूखा और जो आटा हमने अभी लगाया वो, और साथ में पेपर। आप चाहे तो पेपर दूसरे भी ले सकते हो, मेरे पास है पेपर टाल। तो चलो रोटी बेलना शुरू करते हैं। पेड़ा लेते हैं, उसको रोल करेंगे, हल्का सा हाथ पे पानी लगाएंगे और बिना क्रैक के एक डो की बॉल बना लेंगे। अब सरफेस के ऊपर जो आपका रोलिंग बोर्ड है उसके ऊपर हम जो मक्की का आटा वो डस्ट करेंगे और इसे रखकर हाथ से धीरे धीरे बेलेंगे। ये क्रैक्स जो आ रहे हैं ना, इसको हमने आने नहीं देना, हाथ के साथ ही ऐसे पिंच करते जाना है। अब साइड से ऐसे ऐसे रोल करते जाएंगे और हल्का हल्का इसको दबाते जाएंगे ताकि इसमें जो क्रैक्स हैं वो ना पड़े। बस हल्का हल्का ऐसे ऐसे करते जाना है और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा आटा डस्ट कर लेंगे और फिर इसकी जो साइड है वो चेंज कर लेंगे और फिर इसके ऊपर आटा डस्ट करेंगे और बस ऐसे ही हल्का हल्का हाथों से दबा दबा कर इसको बेल लेंगे अच्छे से। तो ऐसे ही दबा दबा कर मैंने जो रोटी है वो बेल ली है। अब इसको बहुत हल्के हाथों से उठाना है और इसके ऊपर रख देना है और इसके ऊपर एक पेपर और रखेंगे, फिर दूसरी रोटी बेलेंगे और ऐसे ही उसको इसके ऊपर रखते जाएंगे और उसके बाद हम फिर इसे सेकेंगे। एक तरीका तो वो था जो अभी मैंने पहले आपको बताया कि हाथ से दबा दबा कर हम इसको बनाएंगे, और जो दूसरा तरीका मैं यूज़ करती हूँ ज़्यादातर वो तरीका था मेरे मम्मा का। जो मेरे मम्मा बनाते हैं ना तो वो हाथ से ही दबा दबा कर बनाते हैं इसको, और मैं जैसे करती हूँ मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो इसको ऐसे ही हाथ से दबाती हूँ मैं, साथ साथ में मक्की के आटे को डस्ट करके। और उसके बाद मैं हल्का हल्का बहुत हल्के हाथों से इसे बेलन के साथ बेल लेती हूँ।
लेकिन इसके साथ क्या है कि ये टूट ना जाए, इसलिए डस्ट करते रहें आप मक्की का जो सूखा आटा है। इससे क्या होगा कि इसमें क्रैक्स नहीं आएंगे, बड़े आराम से ये हल्के हाथों से बिल जाएगी। जैसे हम कनक की जो रोटी होती गेहूं की, उसको जब हम बेलते हैं तो बड़ी आसानी से वो गोल होती रहती है, लेकिन ये रोटी को बड़े प्यार से इनको बनाना पड़ता है और बहुत ही प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है इसको बनाते टाइम। और अगर आप गोल खाना पसंद करते हैं कि आपकी रोटी बिल्कुल गोल हो, तो आप किसी भी प्लेट को लेके इसके ऊपर रख लें, ऐसे दबाकर जो साइड्स हैं उसको निकाल लें और आटे में दोबारा से डो में मिक्स कर लें। इसको निकालें, बड़े प्यार से इसे उठाएं कि ये टूट ना जाए, और यहाँ रख दें। बस ऐसे ही सारी रोटियां हमें बेल लेनी है, चाहे तो आप जो मैंने अभी तरीका बताया वैसे कर लें, और या फिर जो मेरे मम्मा का तरीका था दबा दबा कर रोटी बनाने का वो कर सकते। तो अब मैं मक्की की जो लास्ट रोटी है वो बेलने लगी हूँ। इतने आटे से आपकी 10 से 12 रोटियां आराम से बन जाएंगी। तो मैं जो लास्ट है अभी वो बेलने लगी हूँ, तो उसके बाद हम इसको सेकते हैं। तो मक्की की रोटी को सिकने के लिए 2 से 3 मिनट आराम से लग जाते हैं, तो आप इसे जल्दी से ना पलटें। तो अभी इसको टाइम लगेगा, क्योंकि अगर आप साथ के साथ इसे पलट दोगे तो ये टूट जाएगी। ये देखिए जैसे इसमें क्रैक आते हैं ना, तो अगर आप अभी इसको पलट दोगे तो क्रैक आ जाएंगे। तो इसे 2 से 3 मिनट एक साइड को पकने में लग जाएंगे। तो अब इसको पलट देते हैं बड़े आराम से, उसके ऊपर लगा देते हैं देसी घी। मक्की की रोटी को देसी घी ज़्यादा लगाना पड़ता है। और इसको फिर से फ्लिप कर देते हैं। इसी तरह से बस हमने जो सारी रोटियां हैं अपनी मक्की की वो सेक ले ली हैं, और फिर हम करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो पेपर से उठाते टाइम रोटी को कैसे उठाना है मैं वो भी बता देती हूँ आपको। बड़े आराम से इसको ऐसे ही उठा लेना पेपर के साथ, और इसको ऐसे ही इसके ऊपर फ्लिप कर देना है, क्योंकि अगर आप हाथ लगाओगे तो ये क्रैक हो जाएगी। तो इसको ऐसे ही बनाना है रोटी को। तो मेरी ऑलरेडी 3 रोटियाँ बन गई हैं, तो अभी 3 और 4 मैं और बनाऊंगी, और फिर हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो हमारी सारी मक्की की रोटियां जो हैं बन गई हैं, तो चलो इसकी प्लेटिंग करते हैं। मैंने लिया है सरसों का साग, साथ में डाला है मक्खन, और साथ में हमारी मक्की की रोटियां। तो ये देखिए हमारी मक्की की रोटियां बनके रेडी हैं। और मैंने आपको 2 तरीके सिखाए हैं, एक जो मम्मी ने मुझे सिखाया था और एक जो मैंने खुद इन्वेंट करा है। तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताना कि आपको कौन सा वे ज़्यादा अच्छा लगा। और बस आप मक्की की रोटियां ऐसे ही बनाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, और बस खुश रहें। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितनी यम्मी लग रही थी हमारी मक्की की रोटी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा वे ज्यादा अच्छा लगा, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।